सर सीए के एग्ज़ाम में लेंथ की क्या इंपॉर्टेंस है खास करके जो आपके थेरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लेंथ क्या रखी जाए फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या लेंथ होनी चाहिए एट मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या लेंथ होनी चाहिए तो ये बच्चों की बिल्कुल कॉमन क्वेरी है कि लेंथ क्या होनी चाहिए तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक नॉर्मल जो क्वेश्चन है चार नंबर का छः नंबर का आठ नंबर का ठीक है तो उसकी नॉर्मल जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए ठीक है जी तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा बाई क्वालिफिकेशन में सी ए सी एस एन सी ए में हूं ठीक है और मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा और कुछ भी अलग नहीं बताऊंगा ठीक है अब देखिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके जो मतलब की जो वीडियोज हैं हम रूटीन बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं तो आप उसका फायदा उठा सकें तो इसलिए इसके क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा तो आगे बढ़ते हैं देखिए अब लेंथ की क्या इंपॉर्टेंस है पहले अपनी जो पुरानी कहानी है उसको याद कीजिए अगर आप बीकॉम कर चुके हैं या कर रहे हैं तो नॉर्मली होता क्या है बीकॉम में जो हम पेपर दे के बाहर निकलते थे मैं अपनी एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप भी शायद ऐसे ही करते होंगे जो हम पेपर दे के बाहर निकलते थे तो यूजअली जो हमारे दोस्तों का जो एक क्वेश्चन होता था वो ये नहीं होता था कि हाँ पेपर कैसा गया ठीक है पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ तो मेन जो बात करते थे वो ये करते थे कि हाँ कि पेजेस कितने भरे हैं अगर पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो एक पेज भरना ही भरना है ठीक है अगर चार अगर क्या है कि बीस नंबर का क्वेश्चन है तो चार पेज भरने हैं पाँच पेज भरने हैं तो ऐसा एक यूजल जो है माइंड बना था बट मैं वहाँ भी नहीं मानता था कि हाँ कि जो एग्ज़ामिनर है वो खाली क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस दे के देख के कि आपके आपके मार्क्स देता होगा ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा तो नलायक बच्चा जो है ठीक है अगर वो तो पाँच पेजेस में कुछ भी लिख देगा तो कुछ ही मार्क्स लेके आएगा ठीक है तो ऑब्वियसली क्या है कि खाली कि नंबर ऑफ़ पेजेस भरने से आपको नंबर मिल जाए ठीक है फिर तो सारे के सारे निगम में पास हो जाएंगे ठीक है बेशक वो ग्रेजुएशन है ठीक है बेशक वो आपकी सी है ठीक है तो पहली बात तो क्या है कि हम यहाँ पे बीकॉम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ सी की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? अब सी में होता क्या है देखिए सी में एक चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सीए में क्या है कि केवल दो ही जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही आपको पाग लगाती हैं वो दो बातें क्या हैं मेरी कई वीडियोस में मैंने दो बातों के बारे में जिक्र किया हुआ है अब वो दो बातें क्या हैं बता आपको वही ध्यान रखनी है ठीक है तो आप पास हो जाएंगे एक क्या है स्पीड ठीक है एक क्या है स्पीड और दूसरा क्या है एकुरेसी? एक क्या है स्पीड और दूसरा क्या है एक ठीक है अब बात यहां पर किसकी कर रहे हैं हम लेंथ की ठीक है अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वहां से आपको ये सारे पॉइंट लिंक हो जाएंगे जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफाइन कंपनी डिफाइन कंपनी आपका जो लॉ का पेपर है उसमें आपको पूछा गया है डिफाइन कंपनी तो कंपनी की डेफिनेशन क्या है कंपनी तो की डेफिनेशन सेक्शन टू क्लोज ट्वेंटी में क्या है यही ना कि कंपनी मींस कंपनी इनकॉपरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ अब दो बच्चे हैं यहां पे एग्ज़ाम में ठीक है एक ने उस डेफिनेशन लिख दी एक क्या कर रहा है कि डेफिनेशन लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन कर रहा है अरे भैया एग्जाम में पूछा ही क्या है आपको डेफिनेशन पूछी है तो आपने तो डेफिनेशन लिख दी तो आप उसको एक्सप्लेन काहे को कर रहे हैं ठीक है थीके? तो एग्जाम में क्या होता है आपके जो सी के एग्जाम होते हैं खास करके उसमें क्या होता है कि पेपर यूजली लेंथी होता है अब बच्चे करने क्या लग जाते हैं कि दो नंबर का क्वेश्चन है उससे पूछी केवल डेफिनेशन है तो बच्चे करते क्या है कि लिखना कुछ और शुरू कर देते एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं अरे एक्सप्लेन करने को कहा ही नहीं उन्होंने ठीक है तो आप काहे को एक्सप्लेन कर रहे हो पूछा क्या क्या है डेफिनेशन तो लिख दो ना डेफिनेशन तो आलतू फालतू नहीं लिखना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं जो बता रहा हूं मेरा जो लॉ का पेपर था सी इंटरमीडिएट का वो गिनती के मुझे याद है बारह या तेरह मैक्सम तेरह पेजेस में मैंने वो अटैम्प्ट कर दिया था मुझे याद है कि उस टाइम भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे अराउंड फिफ्टी या फिफ्टी प्लस कुछ ऐसे थे ठीक है तब उस टाइम ठीक है लॉ इतना मेरा खास सॉलिड नहीं था तब भी क्या है कि अराउंड फिफ्टी मार्क्स मेरे आगे थे ठीक है तो उसमें होता क्या है कि देखिए मेन चीज़ क्या होती है मेन चीज़ ये होती है कि आपकी जो जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है ठीक है अगर आप गलत लिखते हैं लिखते दो पेजेस का हैं चार नंबर का क्वेश्चन है दो पेपर आपने भर दिए और आपने लिखा ही नहीं कुछ कंटेंट ही कुछ नहीं लिखा तो मेन जो मैटर करता है वो कंटेंट मैटर करता है ठीक है एक्यूरेसी मैटर करती है लेंथ मैटर नहीं करती ध्यान रखिए लेंथ मैटर नहीं करती एक्यूरेसी मैटर करती है अब एक्यूरेसी में भी एक चीज याद रखनी है कि मान लीजिए चार नंबर का क्वेश्चन है ठीक है आपसे पूछा क्या क्या आपसे पूछा एग्जाम में कि कंपनी का मीनि डेफिनेशन बताइए और कंपनी के फीचर्स बताइए अब आपने कंपनी का जो डेफिनेशन है कंपनी की जो डेफिनेशन वो तो सही लिख दी बट जो फीचर्स हैं वो आपने लिखे दो लिखे बाकी लिखे ही नहीं कम से कम चार पांच तो लिखो ठीक है ऑब्वियसली तो क्या है कि आपने लिखा सही पर लिखा बहुत कम तो कंटेंट ही बहुत कम है कंटेंट आपने सही लिखा पर लिखा एक्यूरेट ठीक है तो जितना आपने लिखा उतने आपको मार्क्स आ जाएंगे तो ये आपने पूरा नहीं लिखा ठीक है तो मेन क्या है कि यहां पे जो लेंथ है वो मैटर नहीं करती बट यस yes, अगर जो कंटेंट आपसे मांगा गया है अगर आप वही पूरा नहीं लिखते तो आप मार्क्स कहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले है. ठीक है यूजली होता यही है कि चार नंबर का क्वेश्चन है ठीक है तो वो होता है कि आधा पेज या आधा पौना पेज में वो खत्म हो जाता है नॉर्मली बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो आधे पौने पेज में ही खत्म होगा अगर मान लीजिए पूछिए दो डेफिनेशन है तो दो डेफिनेशन अगर चार लाइन्स में खत्म हो गई हैं तो आप कैसे पौना पेज एक पेज भर देंगे सवाल ही नहीं पैदा होता तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है ठीक है क्वेश्चन किस प्रकार का है ठीक है और उसमें जो कंटेंट मांगा गया है वो क्या मांगा गया है आपको जो लिखने को कहा गया है उसके अतिरिक्त फालतू आप लिखते हैं ठीक है इन एडिशन एक्स्ट्रा आप लिख रहे हैं जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन के इन कनेक्शन क्वेश्चन से कुछ पूछा ही नहीं गया तो उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है वही आपने अटैम्प्ट करना है और फालतू तो फालतू तो आपको अटैम्प्ट नहीं करना ठीक है अब क्वेश्चन चार नंबर का है छः नंबर का आठ नंबर का है हो सकता है कि आपका चार नंबर का क्वेश्चन है वो डेढ़ पेज में ख़त्म हो हो सकता है कि छह नंबर का क्वेश्चन है वो आधे पेज में खत्म हो जाए ठीक है ठीक है तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपने आधा पेज भरा छह नंबर में और आज चार नंबर में डेढ़ पेज भर दिया यू नीड नॉट टू वरी यू नीड नॉट वरी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रीजन क्या है रीजन यही है कि कंटेंट तो मैटर करता है यहां पे लेंथ मैटर नहीं करती आपको ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है कंटेंट मैटर करता है यहां पे ठीक है और आपको साथ में कंटेंट लिखते लिखते साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हां कि जो आपके पेपर के जो टाइमिंग है वो थ्री आवर्स का टाइम है आपके पास तीन घंटे हैं केवल आपके पास अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन कितने नंबर का है चार नंबर का है चार नंबर का गिनती का क्वेश्चन है ठीक है अब उसके एक्चुअल में जो पॉइंट्स है वो मान लीजिए बीस पॉइंट है ट्वेंटी पॉइंट्स हैं उसके अब आप चार नंबर के क्वेश्चन में ट्वेंटी पॉइंट थोड़ी ना लिखेंगे चार नंबर के क्वेश्चन में ट्वेंटी पॉइंट्स आप नहीं लिखेंगे आप हार्डली वहां चार पॉइंट लिखे या पांच सात पॉइंट लिख के खत्म कीजिए उसको ठीक है चार पॉइंट चार नंबर का क्वेश्चन है उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा एक्चुअल में उसको ट्वेंटी पॉइंट है और ट्वेंटी पॉइंट जो है वो दो ढाई पेज में चले जाएंगे तो आप वो चार क्वेश्चन चार नंबर के क्वेश्चन के ट्वेंटी पॉइंट लिखने बैठ गए तो बाकी कब करेंगे ठीक है तो ये कॉमन सेंस भी वहां पे कई बार लगानी पड़ती है ये कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी आपको ठीक है क्योंकि चार नंबर के क्वेश्चन में अगर आप ढाई पेज में बनने बैठ गए हैं तो बाकी का कब अटैम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे ये तिकड़म होती है वहाँ पे आई के एग्जाम में कि आपका जो है कैलिबर वो चेक किया जाता है आपको दो ही बातों पे फोकस करना है कि एक आपके जो अटैम्प्ट है ठीक है वो एक्यूरेट हो आप जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें दूसरा है स्पीड होनी चाहिए स्पीड का क्या सोल्यूशन है स्पीड का सोल्यूशन यही है कि आप सामने अपनी वॉच रखिए घड़ी घड़ी सामने रखिए ठीक है और साथ साथ देखिए जाइए कि यहाँ पर किस प्रकार से क्या है कि आपको टाइम एलोकेट करना है ठीक है किस प्रकार से आपको टाइम एलोकेट करना है तो इन बातों का आपने ध्यान रखना मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि लेंथ की इंपॉर्टेंस नहीं है बट हां जहां पे क्या है कि जनरल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है फिर चार नंबर का क्वेश्चन है कि आधे पौने पेज का भर दीजिए ठीक है और आठ नंबर का क्वेश्चन है तो एक डेढ़ पेज भर दी इनफ है बट लॉ में तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफिक आंसर मांगे जाते हैं तो वहां जनरल तो कोई क्वेश्चन आंसर होते ही नहीं है तो वहां पे उस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर बनता है जो एज पर द प्रोविजन्स ऑफ द लॉ जो आंसर बनता है वही आपने अटैम्प्ट करना है आलतू तो फालतू तो अटैम्प्ट नहीं करना ठीक है जी आई होप आपकी ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी इसी प्रकार की आपके जो सी से जुड़ी हुई जो वीडियोज़ हैं वो बहुत सारी क्या है हमने अपलोड की हुई है जो आपके मतलब की हैं ठीक है जो आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन की स्ट्रेटी में ठीक है बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक यू